Welcome to my all friends. In this video session, we are talking about that SAC, yani ki spindle assembly checkpoint. Okay, so welcome to my all friends. Please, if you are new subscriber, please subscribe my channel and like this video. Okay, and if you are having some doubts related to this topic, please give me in the comment section. So I will first of all read out, and then after I will give some basic and appropriate answer in the comment section. Okay, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपके doubt जो है वो वही के वही रह जाएंगे. तो this is a very important point of that CSR NET exam. Okay, previous video session के अंदर हमने बात की थी cell cycle checkpoint की. आज हम बात करने वाले स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की. स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या होता है, तो हमें पता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है. ओके, स्पिंडल फॉर्मेशन कब होगा, याद करो, जब सेल जो है वो मेटाफेज के अंदर जाएगा. प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज. ओके, तो मेटाफेज के अंदर जब भी जो क्रोमोसोम्स है वो सेंटर के अंदर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, तब जाकर ये स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो होता है. स्पिंडल फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो काइनेटिक जो सेंट्रियोल है वहां से होता है. सेंट्रियोल में से स्पिंडल फॉर्मेशन जो होगा वो दोनों साइड से होता है. हमें पता है कि एक होता है नॉर्थ पोल से और एक होता है साउथ पोल से, और वो सभी क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को खींचेंगे अपनी ओर, और वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हर एक सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे. ये हमें पता है, मेटाफेज और एनाफेज की जो सिचुएशन है वो सभी को पता है. लेकिन ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता क्या है, दिस इज कॉल्ड दैट माइटोटिक चेक पॉइंट एंड विच इज एंश्योर द ऑल क्रोमोसोम्स विच आर क्लियरली अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, देन एंड देन आफ्टर इट इज इनिशिएट द एनाफेज. ओके, तो सभी क्रोमोसोम्स अच्छे से स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए हैं कि नहीं है, ये सभी को एंश्योर करने का काम कौन करता है, SAC. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, बिकॉज इफ द SAC चेक पॉइंट इज नॉट क्लियरली वर्क फंक्शन आउट, इट कॉजेज द एन्यूप्लॉयडी. ये क्या कर सकता है, हमें एन्यूप्लॉयडी कॉज कर सकता है. तो शुरू करते हैं SAC का चेक पॉइंट कैसे अपना वर्क फंक्शन दिखाता है वो. तो दिस इज एरर करेक्शन मैकेनिज्म. ओके, इज दैट रेगुलेटेड बाय दैट ऑरोरा बी काइनेज एंजाइम एंड विच एलिमिनेट्स द इनकरेक्ट माइक्रोट्यूबुल अटैचमेंट्स. ओके, तो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो एक बहुत ही अच्छे से एंजाइम के थ्रू होती है, जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है एरोरा बी काइनेज. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट एम्फीटेलिक कॉन्फिगरेशन. इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली कि बोथ साइड से सेंट्रियोल का क्या हो रहा है. यहां पर आप देख सकते हैं सेंट्रियोल वन है, इसमें से भी क्या हो रहा है, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है. ये जो सेंट्रियोल है ये भी क्या कर रहा है, स्पिंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, और क्रोमोसोम्स जो है वो क्लियरली अटैच हुए हैं. तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड दैट एम्फीटेलिक कॉन्फिगरेशन. ओके, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मोनोटेलिक कॉन्फिगरेशन, कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें सेंट्रियोल जो है वो नॉर्थ पोल पर दिखाया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं. ओके, एंड उसके जो स्पिंडल फाइबर है वो ओनली वन साइड से ही अटैच हुए हैं, काइनेटोकोर से ओनली वन साइड से अटैच हुए हैं, दूसरे साइड पर से अटैच नहीं हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड दैट मोनोटेलिक कॉन्फ्यूगरेशन. ओके, दिस इज नॉट वेरी गुड. और यहां से सेल को क्या करना पड़ेगा, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, राइट. अब मूविंग टुवर्ड्स द अनदर कॉन्फ्यूगरेशन लाइक दैट सिंटेलिक कॉन्फ्यूगरेशन. सिंटेलिक कॉन्फ्यूगरेशन में आप देख सकते हैं कि स्पिंडल का फॉर्मेशन तो हुआ है नॉर्थ पोल से, और ये क्या कर रहा है, अपर साइड एज वेल एज बॉटम साइड दोनों से ये क्या कर रहा है, उसे जोड़ के रख रहा है. ओके, यानी कि काइनेटोकोर के अपर साइड के पोर्शन से भी जुड़ेगा और लोअर साइड के पोर्शन से भी जुड़ेगा, ओनली फॉर ओनली
नॉर्थ सेंट्रियोल, ओके, साउथ सेंट्रियोल में से कोई भी स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं दिखने को मिल रहा यहां पर, ओके. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मीरोटेलिक सिचुएशन. दिस इज अ रेयर सिचुएशन, ओके. मीरोटेलिक का सिचुएशन बहुत ज्यादा कम होता है कि सेंट्रियोल में से बहुत सारे स्पिंडल फाइबर जो है वो अगर काइनेटोकोर से अटैच हुए हैं तो जहां से जितने ज्यादा स्पिंडल फाइबर वहां पर वो पूरा पूरा क्रोमोसोम्स लेकर चला जाएगा. यानी कि यहाँ पर दो स्पिंडल फाइबर है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, नॉर्थ साउथ चला जाएगा, साउथ पोल पर नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड द मीरोटेलिक सिचुएशन एंड दिस इज अ वेरी रेयर, ओके. नाउ इस सिचुएशन के अंदर होता क्या है वो हम समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बताया गया है और ये जो ब्लू कलर का है वो क्या है, सेंट्रियोल है. सेंट्रियोल में से स्पिंडल का फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, ओनली वन साइड ये यहाँ पर हुआ है. ये जो पूरा जो एक सेशन के अंदर होता है ना ऐसे करके, उसको मैंने उल्टा कर दिया है यहाँ पर, ओके. यहाँ पर कोई भी सेंट्रियोल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इतना आप मान लीजिए, ओके. सो क्या होगा कि काइनेटोकोर विच इज ओनली अटैच इन टू द ओनली वन साइड, सो दैट SAC यानी कि स्पिंडल असेंबली कॉम्प्लेक्स विच इज ऑन हो जाएगा, ओके. वो चेक पॉइंट करेगा कि यहाँ पर तो अच्छे से जुड़ा नहीं है, सो इसलिए वो उसको एक्टिवेट करना पड़ा, ओके. अब जाकर क्या होगा कि जो MCC है, MCC यानी कि माइटोसिस माइटोटिक कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, माइटोटिक माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, ओके. माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने चेक पॉइंट से बना हुआ है, BUB3, MAD3, MAD2 एंड CDC20 से बना हुआ है, ओके. अब क्या होता है कि ये फोर के फोर जो सब यूनिट है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट रहता है. तो CDC20 जो है यहाँ पर क्या होता है, MAD2 से अटैच हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके. सो अब वो APC यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ नहीं पाएगा और APC जो कॉम्प्लेक्स है वो इनएक्टिव रहेगा क्योंकि CDC20 जो है वो जुड़ा नहीं है इसीलिए, ओके. नाउ कब वो एक्टिव होगा कि जब इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होगी तब, लाइक दिस, ओके. यानी कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जब सेंट्रियोल में से स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है तब अपर साइड के काइनेटोकोर और लोअर साइड के काइनेटोकोर दोनों जो है वो क्रोमोसोम को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ओके. यानी कि एक्चुअल में जितना सेग्रीगेशन होना चाहिए क्रोमोसोम का वो होने के लिए यहाँ पर प्री सिचुएशन लग चुकी है, ओके. तो अब जाकर क्या होगा, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, ओके. तब SAC कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ओके. स्पिंडल असेंबली कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, ऑफ रहेगा. और जब ये SAC कॉम्प्लेक्स ऑफ है तब क्या होगा, CDC20 जो है वो APCC कॉम्प्लेक्स से अटैच हो जाएगा. और जैसे ही वो अटैच होगा कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा और सेल को एनाफेज के लिए एंट्री दे देगा, ओके. तो दिस इज कॉल्ड दैट चेक पॉइंट सिनारियो. हमने यहाँ पर देखा SAC के बारे में, ओके, कि अगर SAC यानी कि स्पिंडल असेंबली कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बनता है तो क्या क्या हो सकता है, वो सब हमने देखा कि अगर SAC कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना वर्क फंक्शन अगर नहीं करे, प्रॉपरली ना करे, तो क्या हो सकता है, एन्यूप्लॉइडी हो सकती है. कि अगर वो चेक ही ना करे कि क्रोमोसोम्स अच्छे से स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक ना करे, तो क्या हो सकता है, एन्यूप्लॉइडी हो सकती है. सो SAC कॉम्प्लेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एंड वेरी एसेंशियल चेक पॉइंट फॉर दैट सेल डिवीजन.
Thank you so much for watching this video. In this next session, we are talking about that DNA damage checkpoints.